मैं हूं पंडित तेजपाल सिंह और आप मुझे देख रहे हैं www.rjmala.com पर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार जी। आमिर खान साहब से आपने सीखा, उनकी शागिर्दी से आपने का ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी जो बहुत रेयर है, जो गुरु की शागिर्दी में ही आप सीख सकते हैं। बिल्कुल। उनका सिखाने का जो तरीका था, उससे आप किस तरह से प्रभावित थे, या कोई ऐसा वाक्या जो आपको आज तक याद है उनकी शागिर्दी के दौरान, जब वो सिखा रहे हैं आप उनसे सीख रहे हैं, कोई ऐसी खास घटना जो बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में, एक बहुत ही, देखिए उनके पास बैठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। उनकी हर बात में, हर अदा में, जब बंदिशी वो गाते हैं तो ही वुड सी दैट ही गेट्स इट कॉपीज इट वेल। जो फाइनल पॉइंट्स हैं, मुर्की खटका वगैरह, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हर चीज़ का, और बताने का नहीं निकलती तो उसका तरीका बताना, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जी, तो आपने आमिर खान साहब से सीखा, एक घराने को आपने फॉलो किया जी। तो जानना चाहेंगे हम उस घराने के बारे में जिस घराने को आप फॉलो करते हैं, और उस घराने के उन लोगों के बारे में जिन्होंने उस घराने को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। मैं आपको कहूँगा, इंदौर घराना था ही नहीं जी, मेरे से पूछिए। ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स तो थे, इंस्ट्रूमेंटल तो थे, आर्टिस्ट वोकलिस्ट नहीं, वोकलिस्ट नहीं थे, लेकिन वोकल का एक उस्ताद वाहिद जो पहले निकले, जो पायनियर थे, ये बस उस्ताद आमिर खान। उन्होंने अपने पिता से सीखा था, पर उनके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस आए थे तो उनकी गायकी का अपना एक विशिष्ट शैली बन गई थी। तो वो एक, उसको इवन पंडित रविशंकर ने कहा कि भाई ये इनका गाना सबसे अलग है, तो उन्होंने अपनी गायकी को दिया इंदौर गायकी या इंदौर घराना। घराना इसलिए हो गया कि हम लोग जुड़ गए, फिर हमारे शागिर्द जुड़ गए, आप समझ गए ना जी। इवन शागिर्द के शागिर्द टॉप ग्रेड में आ गए हैं, तो घराना चल पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि इंदौर जो घराना था, बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का घराना पहले था, पहले, क्योंकि ये जो राजा के यहाँ लोग थे वो थे, परंतु आमिर खान साहब के जो पिता थे ना, शाह आमिर खान साहब, तो वो उन्होंने इनको वोकल सिखाया। सारंगी वालों का एक है, उनके अंदर नयक होती है गाने के बारे में जी, तो उनको बच्चे भी याद होती हैं बहुत, देखिए सुनते हैं, वो बड़े जागरूक थे जी शामिर खान साहब, तो उन्होंने अपने बेटे को इस तरह तैयार किया, फिर उन्होंने इन्फ्लुएंस गैदर किया। अब इतना डिटेल में तो क्या जरूरत है जी, परंतु मुझे लगता है, अब आप अगर फिल्म म्यूजिक के बारे में आए, लेट्स कम टू दी दैट थिंग जी, मुझे लगता है कि जो के एल सहगल थे, सहगल साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे, जिन्होंने संगीत को पहली बार, जो कि खुद ही एक्टिंग करते थे, खुद ही गाते थे जी, नहीं नहीं ये बहुत, उनके गाने का लेवल बहुत ऊंचा था। देखिए उनके अंदर पूरा पक्का, वो जैसे एक राग को प्रेजेंट करने का सिस्टम, एक उनका गाना है वो बाबुल मेरा नहीं हर छूट हो जाए, राग भैरवी में जी। देखिए राग भैरवी एक ऐसा है कि जो कि बहुत, जिसमें जैसे सोचो उसमें वैसे ट्यून बन जाती है जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे रमैया बस्ता भैया, एक कोरस आपको याद होगा जी, उसके बाद वो आवारा हूँ, उसके बाद ये बाबुल मेरा नहीं हर छूट हो जाए, ये आरसी बराल ने म्यूजिक दिया था जी, और स्ट्रीट सिंगर था पिक्चर का नाम, ठीक है। अब ये जरूर सुनना पड़ेगा जी ये मेरी श्रद्धांजलि होगी सहगल साहब को। और एक जैसे लागा चुनरी में दाग, वो जो मन्ना डेगा था, वो ये सब भैरवी राग की महान, मतलब एक उसमें इतना विशाल है कि उसमें हर प्रकार के गाने बन सकते हैं। इसी तरह और रागों का भी यही है क्षमता जी।
तो ये मुझे लगता है इसके बाद हम सुनते हैं बाबुल मरम नैया छूट जाए, जिसमें एक ठुमरी अंग से बड़ा क्रिएटिव है सहगल साहब जी, क्योंकि 40-50 के वो ही बादशाह थे जी फिल्म म्यूजिक के। अच्छा, और उसके बाद मैं कहूँगा कि फिर उसके बाद शमशाद बेगम आई, नूरजहाँ आए, नूरजहाँ थी ना पाकिस्तान की जी, जो पाकिस्तान चली गई, उससे पहले हिंदुस्तान में वही छाई हुई थी जी, और उनसे लता मंगेशकर बहुत मुतासर हुई थी जी। एक उनका गाना है उसका, इसी का, नूरजहाँ का जी, आवाज दे कहाँ है। अच्छा, बहुत मशहूर है, और उसके साथ सुरेंद्र ने गाया है, और वो था अनमोल घड़ी का जी, और म्यूजिक था नौशाद का। नौशाद ने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो अब वो भी सुनना है चाहिए जी।